A very good morning, students. Today we will start a new poem which is of 10th class, and the name of a poem, as you all seen on your screen as well, is A Thing of Beauty. Okay, poem ka naam jo hai aap sab students apni screen par dekh bhi pa rahe ho. पोएम का नाम जो मेंशन हो रहा है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसका कंप्लीट नाम आ रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ओके, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अगर ये कंप्लीट लाइन ली जाए तो ये इस तरीके से इज अ जॉय फॉर एवर. फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए. फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए. अब एक बार पोएम को कुछ भी बताने पोएम के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, इट वॉज रिटन बाय फेमस पोएट एंड द नेम ऑफ अ पोएट इज जॉहन कीट्स. ओके, बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं और ये पोएम लिखी है जॉहन कीट्स ने, हु वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. बहुत अच्छे रोमांटिक पोएट थे. जितनी भी पोएम्स थी ना, इट वॉज फुल ऑफ अ रोमांस और अ रोमांटिक थीम. इनकी जितनी भी पोएम्स थी वो रोमांटिक थीम से जो है फुलफिल हुआ करती थी. अब रही बात इनके प्रोफेशन की या जॉहन कीट्स के इंटरेस्ट की, वो यही थी कि जॉहन कीट्स ने नो डाउट ट्रेनिंग ली थी एज अ सर्जन की, बट स्टिल उन्होंने ये चाहा था, ही वॉन्टेड टू डिवोट ऑल हिज लाइफ टू वर्ड्स पोइट्री. ओके, वो चाहते थे कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिवोट कर दे पोइट्री के लिए. और साइड बाय साइड उनका मेन क्राइटेरिया क्या रहता था कि जितने भी रीडर्स हैं, जितने भी पाठक जो हैं, उन्हें डिलाइट करना, उन्हें खुशी देना, उन्हें जॉय देना. ओके, तो जो जॉहन कीट्स है, जॉहन कीट्स के बारे में इतनी ही बात मैं जो समझने वाली है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, वो यही है, फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है. फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. ओके, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी एज अ सर्जन ली थी, बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू डिवोट ऑल हिज लाइफ टू पोइट्री. ओके, पोइट्री को डिवोट करना चाहते थे, और उनका जो मेन इंटेंशन था वो ये था, ओनली गिव्स जॉय एंड डिलाइट टू रीडर्स. ओके, वो चाहते थे कि जितने भी रीडर्स हैं, पाठक हैं, उन्हें जो है खुशी देना चाहते थे. और इज इट क्लियर? अब आती है बात इस पोएम के बारे में. ओके, पोएम का टाइटल क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मीन्स यहाँ पर जॉहन कीट्स ने ये बताया है कि जितनी भी सुंदरता की वस्तुएं हैं, एंड मेनली ही गेव फोकस ऑन अ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल थिंग्स लाइक माउंटेन्स, ट्रीज, कैनाल्स, रिवर्स, वाटरफॉल, इन पर उन्होंने मेनली स्ट्रेस दिया है. उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ब्यूटीफुल नेचर के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट इज एवर लास्टिंग. ओके, एवर लास्टिंग जॉय है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, दैट नेवर कम्स टू एन एंड. अकॉर्डिंग टू अ जॉहन कीट्स का ये मानना था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, भगवान की देन जिस चीज़ों में आ रही है ना, इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ, दीज आर द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट नेवर नेवर कम्स टू एन एंड. दैट मीन्स इट इज़ अ दे आर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर एन everlasting, they gives us an everlasting joy and happiness. Okay, बहुत ज़्यादा हमें खुशी देते हैं. नेक्स्ट आता है इसका एस्पेक्ट कि जो ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक्चुअल में जॉहन कीट्स ने यहाँ पर मैंशन भी किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, यू रीड इट वेल ऑल्सो. द फॉलोइंग इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन. ओके, जो ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक्चुअल में जॉहन कीट्स ने पोएम लिखी है एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस. इसमें से ही एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है, एक्सर्प्ट जो है, वो लिया गया, पिक किया गया, और उसका नाम था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर.
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट इसके लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इवन देन। यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। अभी स्टूडेंट सिर्फ इतना ही लो, एक बार मैं इन लाइन्स की बताती हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा हमें खुशी देते हैं। ओके हमेशा। ओके तो क्या होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है उनकी जो लवलीनेस है, उनकी जो आप ये कह सकते हैं इनोसेंस जो है, ग्रैंड्योर जो है, इनकी जो प्योरिटी है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मैं कह सकती हूँ, पीसफुलनेस उनका जो नेचर है, लवलीनेस का मतलब क्या है उनका, बड़ा ही प्योर वाला जो उनका नेचर है, प्योरिटी, फुल ऑफ प्योरिटी। ओके लवलीनेस का मतलब प्योरिटी ले सकते हो यहाँ पर उनका। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इट्स लवलीनेस, इट्स प्योरिटी, दे आर ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके ये हमेशा बढ़ेंगे। ऑलवेज इंक्रीजेस का मीन्स यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दे ऑलवेज गिव्स अस अ हैप्पीनेस, दे ऑलवेज गिव्स अस अ everlasting joy as well. Okay, next है it will never pass into nothingness, कि जितने भी beautiful objects है it will never comes to an end, कभी भी इनका end नहीं होगा, कभी भी इनका जो है demolish नहीं होंगे, damage नहीं होगा, it will never never pass into a nothingness, कभी भी इनका अंत नहीं होगा। तो that means they are always a everlasting joy. तो इसकी मेन जो इन लाइंस का मतलब आ रहा है वो यही आ रहा है, एवरलास्टिंग जॉय मिलता है हमें इनसे। ओके नेक्स्ट है बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है बल्कि हमारे लिए बनाए रखते हैं। कीप का मतलब होता है रखना, बट विल कीप मतलब बनाए रखते हैं, क्या बनाए रखना, क्या रखते हैं, अ बावर। बावर का मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो प्लीजेंट शेडी प्लेस को कहा जाता है, वो भी कहाँ पर, शेडी प्लेस अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे का जो शांति वाला शेडी छाया के साथ जो प्लेस होता है, जगह होता है, उसे कहा जाता है बावर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मेंशन भी कर देती हूँ, इसे कहा जाता है शेडी प्लेस, वो भी कौन सा, प्लेजेंट। ओके तो शेडी प्लेस को कहा जाता है अंडर अ ट्री, बावर का मीन्स होता है शेडिंग प्लेस अंडर अ ट्री। आई होप आपको ये बावर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अ बावर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए क्या है, ये जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, दे ऑलवेज गिव्स अस अ शेल्टर, दे ऑलवेज गिव्स अस अ कवर, मतलब कवरिंग, किस चीज़ की कवरिंग देते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट की कवरिंग देते हैं, एक शेडी प्लेस की हमें कवरिंग देते हैं एज। ओके और इसके साथ क्या होता है, एंड अ स्लीप, और यही ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमें एक ऐसी नींद भी देते हैं, ऐसा कंफर्ट जोन भी देते हैं। यहाँ पर नींद का मतलब है कि ऐसा कंफर्ट जोन भी हमें मिलता है, इस तरीके का कंफर्ट जोन मिलेगा, दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे मीठे सपनों से भरा हुआ है। ओके एंड हेल्थ, और अच्छी सेहत है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और चैन की सांस भी हम उसमें ले सकते हैं। ओके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, नेचर्स के जितने भी ब्यूटीज हैं, देयरफॉर फिर भी, सो दैट ऑन एवरी मोरो हर सुबह, मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग। ओके अर्ली मॉर्निंग को कहा गया है, एवरी मोरो का मतलब है अर्ली मॉर्निंग को यहाँ पे मेंशन किया गया है, हर सुबह जो है, आर वी रेडिंग, रेडिंग का मतलब होता है मेकिंग, बनाना, एक तरह से रेडिंग का मतलब होता है बनाना। ओके और मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग, मोरो का मीन्स होएगा मॉर्निंग, हर सुबह,
देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर सुबह हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अ फ्लावरी बैंड, एक ऐसे फूलों की माला बनाते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी से जोड़े रखती है। तो इन टू लाइन्स का मतलब क्या है? इन टू लाइन्स का मीन्स ये है कि हर सुबह हर नए दिन पर हम जो है इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसे मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, ऐसी यादों का की माला हम बुनते हैं, गूंथते हैं यादों की माला। अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी यादों मतलब मेमोरीज की बात की जा रही है, दैट आर रिलेटेड टू, दैट आर कनेक्टेड टू आर ब्यूटीफुल नेचर, जो हमारे ब्यूटीफुल नेचर के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। और वो यादें जो हैं, जो हमने हिली एरियाज़ में बताई हैं या किसी एडवेंचरस प्लेस पर करी या ओशन सी के पास हमने अपना टाइम स्पेंड किया, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इन इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम रीड कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं एक ऐसे फ्लावरी बैंड का, एक ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज का, एक ऐसा ब्यूटीफुल बैंड ऑफ मेमोरीज दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विद आर अर्थ, जो हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी अर्थ के साथ कनेक्ट हो सके। ओके, स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ओके, स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद नेक्स्ट है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है यहाँ पर आप कह सकते हो डिसअपॉइंटमेंट। ओके, निराशा। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा। कहते इन इस धरती पर इतनी उदासी के बावजूद, या ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, या इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, इनह्यूमन का मतलब क्या है, क्रुएलिटी, जहाँ पर क्रूरता ही क्रूरता है उसके लिए बात की गई है। इनह्यूमन का मतलब है क्रुएलिटी, भी जितनी भी क्रुएलिटी है, निराशा के बावजूद या क्रुएलिटी के बावजूद भी होने के बावजूद भी, डर्थ, डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ, कमी है, किसकी कमी है, लैक ऑफ मतलब अलग अलग पॉइंट्स बोले हैं किस तरीके से, कि एक तरफ तो निराशा भी है और क्रुएलिटी भी है, दूसरी तरफ ये भी है कि अच्छे लोगों की कमी भी है। डर्थ का मतलब क्या है, कमी, किसकी कमी है, नॉबल नेचर्स, नॉबल नेचर्स का मतलब है अच्छे लोगों की कमी भी हो चुकी है, नॉबल नेचर का मतलब है अच्छे लोगों की कमी। और डर्थ का मीनिंग तो मैंने बताया ही आपको कि कमी को कहा जाता है। ओके, ऑफ नॉबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और साथ ही क्या है, हमारे दुख भरे दिन हैं। कहते हैं इन सब दुख भरे दिनों में भी हम कोशिश करते हैं कि हम इस अर्थ के साथ कनेक्ट हो पाएं इस नेचर की हेल्प से। तो ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, दुखी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, सैड, उदासी वाले दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और हम क्या करते हैं, जितने भी हम साइबर साइड ये करते हैं कि जितने भी अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज का मतलब यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, साथ ही कनेक्ट करती हूँ नेक्स्ट लाइन भी, मेड फॉर आर सर्चिंग। ओके, सर्चिंग का मतलब होता है कुछ ढूंढना। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये टू लाइन्स मैं कनेक्ट कर रही हूँ, कौन सी टू लाइन्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है कुछ ढूंढना। अब हम अपनी लाइफ में देखा जाए तो टेंथ के बाद ढूंढते हैं अपने एम को कि मुझे क्या करना है। कहते कि इस धरती पर इतनी सैडनेस है, मैं सारी 4 to 5 लाइंस कनेक्ट कर रही हूँ, इतनी सैडनेस है, इतनी क्रुएलिटी है, अच्छे लोगों की कमी है, सैडनेस वाले दिन हैं, फिर भी हम अपने एम को, सर्चिंग का मीन्स क्या है, हम अपने एम को
सर्चिंग का मतलब है एम, अपना उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी किस तरीके से, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज के थ्रू, मतलब गलत तरीके अपना लेते हैं। अनहेल्दी का मतलब है कि जो तरीके सही नहीं है उनको अपना लेते हैं, और जो तरीके दुख से भरे हुए हैं, अंधेरे से भरे हुए हैं, डार्केंड का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे से भरे हुए हैं, जहाँ पे दुख ही दुख है, निराशा ही निराशा है, क्रुएलिटी ही क्रुएलिटी है, उन सबको, उन तरीकों को, तौर तरीकों को हम अपना रहे हैं आज के टाइम में, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग आर एम्स, अपने एम्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है, रादर देन टू कनेक्ट विद आर अर्थ, मतलब एक टाइम ऐसा आता था कि हर सुबह जो है हम अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए नेचुरल ब्यूटीज में अपना टाइम स्पेंड करते थे, बट आज के टाइम में अपने सर्चिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, एम को कंप्लीट करने के लिए हम अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज को अपना रहे हैं। ओके, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, फिर भी कुछ सुंदर सुंदर शेप है जो हटा देती है, क्या हटा देती है, मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब होता है कवरिंग, किसी एक कवर को हटा देती है, कौन सी कवरिंग को हटा देती है, कहाँ से हटा देती है, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी बुरी आत्माओं के ऊपर से हटा देती हैं, ठीक है, डार्क स्पिरिट्स का मतलब क्या है, बुरी आत्माओं के ऊपर से जो है हम कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है वो हटा देते हैं, और वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स क्या है, पोएट आगे बताना चाहेगा, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि सूरज चांद, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पुराने हो चुके हो, या जो अभी नए नए ही स्प्राउट किए हो या पेड़ बने हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो फैलाते हैं, स्प्राउटिंग का मतलब गिव्स, देते हैं, फैलाना, जो दे रहे हैं क्या, शेडी बून, एक ऐसा छायादार हमें वरदान दे रहे हैं, बून का मतलब होता है वरदान, एक तरह से आशीर्वाद, बून का मतलब क्या है, वरदान या आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान या आशीर्वाद देते हैं हमें ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, और साथ ही साथ और क्या आता है, फॉर सिंपल शीप, इसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर इट, बून दे, शेडी बून दे रहे हैं किसको, फॉर सिंपल शीप, चाहे वो इनोसेंट भेड़ ही क्यों ना हो, शीप ही क्यों ना हो, या फिर सच्चा डैफोडिल्स, या वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही क्यों ना हो, डैफोडिल्स एक फूलों के नेम को कहा गया है जो येलो कलर के होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर है ये, ओके, ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर, तो जो शेडी बून है सिंपल शीप को देते हैं। ओके, पहले तो ये बात समझ में आ गई, वरदान साबित होता है कि जितने भी ये ट्रीज है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, तो नो डाउट वो छाया देंगे शीप को भी, तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि एक पिक्चर है जहाँ पे ट्रीज ही ट्रीज है, और साइड बाय साइड यहाँ पर शीप भी है। ओके, यहाँ पर शीप भी है, तो ये कहते हैं कि ये छाया देते हैं उनको, और फिर साथ ही और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, पहले तो सन मून और ट्रीज का जिक्र हुआ, नेक्स्ट आ रहा है सच्चा डैफोडिल्स, जैसे कि डैफोडिल्स भी ब्यूटीफुल में ही आते हैं, ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ही आ रहे हैं डैफोडिल्स भी, डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो हर तरफ जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, एंड क्लियर रिल्स, और साफ पानी की धाराएं भी बहती हैं, तो और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स क्या है, साफ पानी की धाराएं, रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम, धारा, पानी की, ओके, धारा को कहा गया है, That for themselves a cooling covered, जो ये खुद के लिए ही, ये जो धाराएं हैं खुद के लिए ही एक ठंडक वाली कवरिंग देते हैं। ओके, तो ये जितनी भी धाराएं हैं, जैसे मैं एक पिक्चर यहाँ पर आपको शो भी कर देती हूँ, मान लीजिए ये स्ट्रीम है रिवर की, तो एक तरह से यहाँ पर ये कूलिंग कवर्ड प्रोवाइड करते हैं अंदर पानी को भी, इवन देन हॉट सीजन में भी,
अगर गर्म सीजन भी है तब भी बीच वाले पानी को जो है कूलिंग कवर्ट मिलता है, ठंडक वाली कवरिंग मिलती है. मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. हॉट सीजन मतलब गर्म, जब गर्मी होती है उस सीज़न के दौरान भी जो है हमें बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग मिलती है, सूदिंग सा इन्वायरमेंट होता है. प्लस ठीक है, डैफोडिल्स की बात की, मून की बात की, सन की बात की, ट्रीज़ की, एंड देन क्लियर रेल्स की, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है. अब नेक्स्ट सुनना और क्या है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक. अब क्या कहा गया है, मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि फिर जो है जंगलों के बीच में भी क्या होता है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. तो क्या होता है, स्प्रिंकलिंग होता है एक तरह से खिलना, और रिच का मतलब होता है भरे हुए हैं. कहते हैं वो जो जंगल जो है, जंगल के बीचों बीच जो है मस्क रोज जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी खिले हुए हैं, जो रिच है भरे हुए हैं. एक मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, उससे वो खिले हुए हैं, भरे हुए हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. और नेक्स्ट क्या कहा है, और इसके साथ ही और क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ग्रैंडियर होता है भव्यता, ब्यूटीज, ग्रैंडियर को कहा क्या कहा गया, भव्यता. अब किस भव्यता की बात की गई है, ऑफ द डूम्स. डूम्स का मतलब यहाँ पर है डेथ, डेथ की बात की गई है. इन्होंने ये कहा है कि साइड बाय साइड ब्यूटीफुल और क्या है, डेथ की भी भव्यता को शो किया गया, ब्यूटी को शो किया गया. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डेथ की ब्यूटी को कैसे शो कर सकते हैं. यहाँ पर जॉन किट्स ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स थे, जितने भी हमारे महान लोग थे, आज भी हम उन लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम सोचे तो दैट मीन्स उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं, तो वो ब्यूटीज ही तो है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी कंट्री के लिए. तो वही वो कहा गया, ग्रैंडियर ही तो है. वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ये सब कुछ हम कल्पना कर सकते हैं अपने महान मरे हुए उन लोगों की. माइटी डेड का मतलब होता है, माइटी का मतलब होता है पावरफुल, उन पावरफुल लोगों की जिनकी डेथ हो चुकी है अपने देश को बचाने के लिए या अपने देश की रक्षा करने के लिए. एंड ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड, और ये सारी प्यारी कहानियाँ वो हैं जो हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं, चाहे हम अपने मम्मी पापा से सुने या अपने दादा दादी से सुने, तो हम आज भी उनकी कहानियाँ सुनते हैं. और दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स आर एन एंडलेस फाउंटेन. ये जो सुंदर चीज़ें हैं जो भी अभी जिक्र की गई है, सन, मून, ट्री, रिल्स, डेफोडिल्स, माइटी डेड, ये सारी की सारी क्या है, एंडलेस फाउंटेन है. एक ऐसा फाउंटेन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. किस चीज़ का फाउंटेन है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. एक ऐसा ड्रिंक है उसके अंदर, एक ऐसा लिक्विड है दैट नेवर कम्स टू एन एंड. इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर. एक ऐसा अमर पेय है, लिक्विड है, दैट इज पोरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है. पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना, डाला जा रहा है, डालना, ठीक है, जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, अनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. हेवंस ब्रिंक का मतलब क्या है, स्वर्ग के किनारे, स्वर्ग से जो है, स्वर्ग के किनारे से भी जो है हमारे ऊपर से ये जो ड्रिंक जो है हमारे ऊपर डाला जा रहा है. हमें ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए अभी भी इंस्पायर किया जाता है, नेचर के साथ कनेक्ट के लिए करने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाता है. कैसे मोटिवेट किया जाता है, बिकॉज दीज आर द एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ओके, तो स्वर्ग, हेवन का मतलब है स्वर्ग, ब्रिंक का मतलब कह सकते हो आप, यहाँ पे कॉर्नर की बात की गई है कि हेवन की वाली जगह से जो है ब्यूटीफुल, बहुत ही प्लीजेंट सा इमॉर्टल ड्रिंक जो है हम ह्यूमन बीइंग्स पर आता है, जो हमें एक तरह से लेसन देता है कि हमें अपने नेचर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए. वाई इज दैट सो, बिकॉज ये जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचर हैं, दीज आर द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय दैट नेवर कम्स टू एन एंड. ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये पोएम
अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैंने आपको ब्रेक का मतलब नहीं बताया था, सॉरी फॉर इट, ब्रेक ब्रेक का मीनिंग नहीं बताया था मैंने आपको। ब्रेक एक तरह से आप कह सकते हो फर्न को कहा जाता है, थिक मास ऑफ फर्न, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ब्रेक का मतलब क्या होता है, थिक मास ऑफ फर्न। अब आप स्टूडेंट के लिए समझने वाला क्या है कि फर्न का मीनिंग क्या होता है ना, फर्न का मतलब होता है डेंस ग्रीन बुशेस, डेंस का मतलब होता है घनी, घनी हरी हरी झाड़ियों को बोला जाता है, कहते हैं उन झाड़ियों के बीच में ना मस्क रोजेज है, ओके तो इनको कहा गया है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ रही होगी काफ़ी हद मतलब अच्छे से, ओके अगर कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरीज रह जाए तो हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।